चाहूंगा कि महाराज लाउड स्पीकर इससे ड्रॉप आउट ना मंगाइएगा, टेंट चाहे लगाओ चाहे ना लगाओ, टेंट वाले हमको माफ करेंगे। आप तामियाजा लगाओ ना लगाओ, फेरी बिछाओ ना बिछाओ, लेकिन लाउड स्पीकर तगड़ा मंगाओ ताकि जवान में और रात में हमारे हमारे ये प्रवचन करवाओ। पूरा इलाका का इलाका ही बदल जाएगा और चमत्कार देखेगा। मैं अंधेरे में ठेला नहीं चलाता हूँ, मैं चमत्कार करके दिखाता हूँ। और ऐसा कुछ नहीं हूँ, अब ऐसा बढ़िया बाबा आपको कहाँ मिलेगा, है ना महाराज, कहाँ मिलेगा। एक डॉक्टर आज भी जो आया हुआ है, अरे इसके चरण भी पकड़ो, ये भगवान समझो, ये डॉक्टर नहीं है जिसने हमारी बेटी को बड़े बड़े डॉक्टर ढूंढ गए थे राजनी ने और हमसे नाराज हुए, कहें गुरु जी आपने, और घर बेचारे भाग के आए, घर आए फीस भी नहीं लिया, सोचिए, और दो दिन में बेटी का बुखार भाग गया। क्यों? इनके पास सारी पैथी का ज्ञान है, इनको कहां क्या जरूरत है उसी हिसाब से डॉक्टर काम करते हैं। हम कहा डॉक्टर साहब आपको हम बुलंदियों में आप अपने कार्यों से ही पहुंच जाएंगे, लेकिन बाबा को न भूलिएगा, अगर बाबा को भूल गए तो फिर समझिए फिर पता नहीं क्या ना हो जाए, भैया हम नहीं कह पाएंगे। कहे नहीं नहीं गुरु जी हम आपके साथ जुड़े हैं, तो धन्य है हमारे सिंह साहब कैमरा लेके जो बना रहे हैं, बेचारे गाड़ी से हमको लेके आए, रत्नेश्वर सिंह जो है कह नहीं क्या है, ये बेचारे आमोद प्रमोद करते हैं, बड़े बड़े काम करते हैं लेकिन थोड़ा सा कोई भूल जाते हैं। अरे मौके पर बुलाओ, ये तो हमको लगता है ये दिल्ली में हम बैठ गए, दिल्ली नहीं ऐसा दिल्ली का हो, है ना, बनाओ ताली अपने गांव के नाम पर। तो इसलिए हमको ये बड़ा अच्छा लगा आकर के, हम चाहते कि यही हमारा कार्यक्रम हो, रात में आवाज जाए दूर तक और लोगों को हम कुछ बतावे, ताकि आप लोग ये जानो कि हम दुनिया में सबसे बड़े हम लोग मनुष्य रूप में हम ही है, ताल पेड़ पौधा की पूजा करते हैं, ये ऋषि मुनियों का देश है और यहाँ गाय कटती है, हम आप गाय कटवाते हैं, ये 15 लाख रुपया लाइब्रेरी में फूक दिया गया और इसमें हम दो गौशालाएं खुलवा देते हैं, ये बंदर घोष की गाड़ी ले आके बाल घोष बंदर घोष, अभी हम 4 बजे शाम को भवनेश्वर में पहुंच जाएंगे और वहां भी ये वीडियो बनवाएंगे, इसी के साथ यही वीडियो वहां की वीडियो मिला के एक सीडी भेजेंगे यहां के आयोजकों को, केवल निवेदन है कि उस सीडी की बनवाई मात्र 50 रुपए हमको दे देंगे, बस उसके आगे नहीं चाहिए। और उसी सीडी से वो तमाम सीडी बनवा करके अपने क्षेत्र में बटवा देंगे, अगर ये क्षेत्र रायबरेली छोड़ो ये हिंदुस्तान में इसकी पहचान न हुई तो श्याम साधु यहां मुंह नहीं दिखाएंगे, पहचान बनेगी आपकी। क्यों? आप दान करेंगे, कड़ाही में सब्जी, चूल्हे में आग, सब्जी बनेगी। और हमारे समाज में क्या होता है, कड़ाही में आग और चूल्हे में सब्जी और बैठे हैं, सब्जी बनेगी। 15 लाख रुपए मानव सम्मेलन में खर्च हुआ, कोई सीता बनी, कोई राम बना, कोई दशरथ बना, कोई लक्ष्मण बना, भरत बना, ना सब रावण बन गए, सब रावण वहां मंथन रावण सदा रहा है, अगरबत्ती सुलगा रहा है, ये सब देख के हमारी आत्मा जल गई वहां। हमने कहा अब हम जिंदगी में ऐसे जगहों पर मत बुलाइएगा, क्या नाटक कर रहे हैं, अरे काम होगा जिससे फायदा दिखाई पड़े, अरे पीपल की बाटिका हमारे रत्नेश्वर ने लगवा दिया है, मैं चाहता हूं कि यही बाटिका यहां भी लग सकती है महाराज, कोई बड़ी बात नहीं है, 10-12 पीपल का पेड़ लगा दीजिए आप, तब देखिए कितना बड़ा काम बनेगा, कितना ऑक्सीजन मिलेगा उसको। और गांव वालों से निवेदन है कि गांव के किनारे जो छोटे छोटे बच्चे ये टट्टी वगैरह जाते हैं उनको थोड़ा समझाया जाए, रोका जाए, और एक टट्टी आप लोग सरकार बनवावे जाए चूल्हे भाव में, आप लोग खुद एक कंधा लगा बनवा दो, है ना, एक उसमें सफाई करनी लगा दो ताकि उसमें बच्चे टट्टी जाए तो सफाई होता रहे, तो गांव के किनारे बच्चे बैठते हैं इससे अच्छा नहीं लगता है। तो मैं बारी को विराम दूंगा और बैंकी गांव में हमारे कार्यक्रम होंगे, लेकिन यही लाउड स्पीकर आई तबे हम लोग महाराज, है ना, ठीक, हाँ क्या देखिए क्या व्यवस्था, क्या लाउड स्पीकर मिला, अरे यही आवाज, अरे हमको जो काम है समाज को बदलना, हमको समाज से कुछ लेना थोड़ा है, हम समाज को ये बताना चाहते हैं, अरे ये ब्राह्मण इसे कहते हैं, एक ब्राह्मण पूरे विश्व के लिए काम,
एक फैक्ट्री पूरे देश के लिए काफी है। एक बैस, एक कोई भी जात का हो, वो अपनी अपनी जगह उसकी एक अहमियत होती है। भगवान राम ने झूठे बैल सगरी के खाए थे, तो हम भगवान राम के देश में हैं, तो हम हमारे यहाँ ऊंच नीच का भेदभाव ज्यादा नहीं होना चाहिए। हमको सबको सम्मान देना चाहिए, गले लगाना चाहिए। तो मैं वाणी को विराम दूंगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज की तारीख दो है ना, आज की तारीख 2 नवंबर 2014 है। शाम को 4 बजे मैं भवनेश्वर में 2000 मंदिरों के बीच में बैठूंगा। अभी मैं आपके बीच में बैठा हूं और वहां 2000 मंदिर आएंगे हमारे अगल बगल और हमको ठक लेंगे। उसके लिए सीडी बनवाएंगे, आपको अवश्य भेजेंगे। और हमारा मोबाइल नंबर अगर आप नोट करना चाहें तो कर लें। मेरा मोबाइल नंबर है 94 89 147 9 4 5 0 0 8 9 1 2 7। बिना परिचय का ये बाबा है और चैलेंज करता है कि हिंदुस्तान के किसी बाबा से तुम हमको डाउन करवा दो। मैं हनुमान जी की भक्ति में 8163 नंबर का भोग आज होने जा रहा है। पूरे हिंदुस्तान में ये हनुमान जी ने किसी को इतना मौका ही नहीं दिया, ये उनकी कृपा है। मैं क्या हूं, मैं कुछ नहीं। 8163 नंबर का भोग आज होने जा रहा है। आपके ऊपर कोई संकट हो, मुसीबत हो, मामला हो, मुकदमा हो, बीमारी हो, अजारी हो, तो हनुमान जी की सबसे बड़ी पूजा है बानर भोज, बाल भोज। बंदर नहीं मिलता है तो बच्चे तो हर गांव में मिलेंगे। किसी पीपल के नीचे जाओ, वहां सफाई करो, बच्चों को बैठाओ और भीगा हुआ चना दे दो, भुना चना दे दो, दो धनिया दे दो, अच्छी चीज दे दो, अमरूद है, केला है, ये बच्चों को दीजिए और उनका नन्हे नन्हे हाथों से अपने खोपड़ी पर हाथ रखवा लीजिए। ठीक, अब कम से कम 12 बार आप ऐसा करके देखे, 13वीं बार आपको चमत्कार न दिखे तो हमारे मोबाइल नंबर पर हमको मोबाइल कीजिएगा। मैं लाइब्रेरी बोला के आपका हर्जा खर्चा मैं दे दूंगा। अब अच्छा बढ़िया बाबा कहाँ मिलेगा। जीत उठ तुम्हारी और हार हमारी। अगर हमारा फार्मूला फायदा नहीं है तो एक पैसा हम आपको एक पैसा अदा करेंगे, लेकिन मंदिर में उठाना पड़ेगा। नहीं झूठे मूठ कर दो कि महाराज हमारे 500 रुपया ला गवा, तो 500 रुपया हम मंदिर में रखेंगे, आप उठा देंगे। बाबा ने इतनी है तो इसलिए मुसीबत परेशानी से बचना हो तो पीपल का पेड़ लगाओ, पीपल के नीचे जाओ, हाँ, और मांस मजरा से भैया छुट्टी खाओ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भैया हमारे बीच में एक छोटा सा बच्चा है, राज नाम है इसका, इसी गांव का है, और ये सबसे कठिन योगासनों में नवली क्रिया होती है। बस नवली आप सब लोग देख लें और भारत स्वाभिमान ट्रस्ट की तरफ से इस बच्चे को 101 रुपए का इनाम अभी दिया जा रहा है। आप सब लोग इसका उत्साहवर्धन करें और इसकी नवली देखेंगे। ये महाराज जी से भी अच्छी नवली करता है बच्चा, ये दिखाई चलो रवि। ठीक है, देखो छोटा तो बच्चा, आप लोग सब लोग देखो इसको नेवली। हाँ तो बापू सलाम, देखो कितना छोटा है, सब लोग तालियों को बजाओ कम से कम। भैया ये 3 बच्चे ने 3 दिन में केवल सिखा के, अभी अभी पीछे गए थे इसी के लिए गए थे, है ना, तो 3 दिन में इन बच्चों को देखो भाई इनाम भी मिलेगा।